को सबको पता है कि 10 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। 3 वनडे जो हैं वो कराची शहर में खेले जाएंगे और 3 T20 जो हैं वो लकीली लाहौर शहर जो है इंजॉय करेगा। लेकिन आज ही दूसरा वनडे खेला जा रहा है, पहला जो है वो बारिश की नज़र हो गया था, वो हो नहीं पाया था, और अल्लाह अल्लाह करके अब ये जो सेकेंड मैच हो रहा है, इसमें जो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग वो न्यूज़ है वो ये है कि लोग इनकरेज ही नहीं हो रहे, लोग आए ही नहीं हैं। कराची में लोगों को ढूंढा जा रहा है और यहाँ पर टिकट नहीं मिल रही है। तो इसी पर हम बात करेंगे जी द वन एंड ओनली स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। आप ये बताएगा कि ये तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है मेरे लिए, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई, 10 साल ने इतना बड़ा गैप ला दिया कि टेस्ट से तो हम लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ ही था, अब वनडे में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, बच गया हमारे लिए सिर्फ T20। बिल्कुल आपने सही कहा मदिया, तकरीबन 50% से भी कम, 40% के करीब लोग यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है। अगर ये मैच कल होता जो इतवार को छुट्टी के दिन रखा था तो उस वक्त बड़ा लोगों का जोश और खरोश था कि छुट्टी का दिन था, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से इसको आगे किया गया। आपकी बात सही है, लेकिन अब लोगों में जो दिलचस्पी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है T20 पर। T20 को लोग कहते हैं कि एक वो फिल्म की तरह 3 घंटे में खत्म हो जाती है। वनडे क्रिकेट में 3.5 घंटे की एक इनिंग, 3.5 घंटे की दूसरी इनिंग, तकरीबन 9 घंटे के करीब जो है लोगों को सर्व करना पड़ते हैं। लेकिन भारत आपकी बात सही है कि कराची में 21 जनवरी 2009 के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह एक तो लोगों को थोड़ी सी माशी मुश्किलात, और दूसरी वजह वनडे मैच का इनका। अगर T20 होता हमने यहाँ देखा कि PSL में खचा खच नेशनल स्टेडियम भरा हुआ था, वेस्ट इंडीज की टीम इवन आई T20 खेलने, जब भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन वनडे में खासी मायूसी हुई है। और आपने लाहौर की बात की मदिया, तो डेफिनेटली लाहौर में T20 है तो T20 3 घंटे में तो हर आदमी इस चक्कर में इस जिद्दोजहद में मसरूफ होगा कि वहाँ उसे टिकट मिल सके। लेकिन देखते हैं कि परसों जो आखिरी वनडे है शायद उसमें शायद टीम की बड़ी तादाद है। इसकी एक वजह ये भी कि श्रीलंका के 10 टॉप के प्लेयर्स नहीं आए, न लचित मलिंगा रखते हैं, मे बी उससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता लोगों का। बिल्कुल, और ये सारे अननोन प्लेयर्स हैं, इनमें सिवाय कप्तान श्री माने के और फास्ट बॉलर नुआन परदीप के बाकी सारे ऐसे कि जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं। अगर से ये वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, इनकी 15 रुकनी टीम में मदिया 14 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वनडे डेब्यू कर चुके, सिर्फ 1 खिलाड़ी ने नहीं किया, आज वो भी नहीं खेल रहा। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि स्टार क्रिकेटर्स की अदम शिरकत दूसरे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम मैदान पर है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी अदम दिलचस्पी है लोगों की, और एब्सोल्युटली राइट। ठीक है मिर्जा साहब, ये बताएगा कि आज के मैच के हवाले से कंडीशंस कैसी हैं, कैसा स्कोर एक्सपेक्टेड है? देखिए आज टॉस जीत कर सरफराज ने खुद बैटिंग करने का फैसला किया है, और इस वक्त तमाम तर नजरें जो है वो बाबर आजम पर मरकूज है। उन्हें नायब कप्तान बनाया गया, जबरदस्त फॉर्म में, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही, काउंटी क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, तो अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज है कि बाबर आजम अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। 54 रन बनाकर तो फखर जमान आउट हुए, 31 रन बनाए इमाम उल्लाह ने, लेकिन सब बाबर आजम पर मरकूज किए हुए हैं क्योंकि लोग क्रिकेट का मुस्तकबिल का सुपर स्टार करार दे रहे हैं। तो अब होता क्या है, 215 रन अब तक पाकिस्तान ने बनाए हैं 40वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर, और हारिस सुहेल भी आउट हुए, उन्होंने 40 रन स्कोर किए, लेकिन सब नजरें जो है बाबर आजम पर मरकूज है कि आया वो सेंचुरी अपनी कब मुकम्मल करते हैं। इब्तदा में जब वो आए तो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया क्योंकि विकेट पर गेंद रुक कर आ रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह से वो जबरदस्त फॉर्म में, और मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज से बाबर आजम खेल रहे वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। मिर्जा साहब, आपका फखर पे आपका क्या कॉमेंट है? क्रिकेट का कोई भी मैदान हो, फखर की तो एक ही पेस चल रही है, इस पर आपका क्या कॉमेंट है? देखिए फखर जमान वर्ल्ड कप में इतने कामयाब नहीं रहे थे, 188 रन मजमूनी तौर पर उन्होंने वर्ल्ड कप के 10 मैचेस में बनाए थे, लोग तवक्को कर रहे थे, उनकी फिटनेस का भी प्रॉब्लम थी, ये तवक्को की जा रही थी कि शायद फखर जमान जो है वो उनको ड्रॉप किया जाएगा और आबिद अली को खिलाया जाएगा, यंग प्लेयर है। लेकिन मिर्जाउल हक किसी किस्म का कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं, बहसियत चीफ सेलेक्टर और बहसियत जो हेड कोच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, इसीलिए उन्होंने फखर को खिलाया। आज फखर जिस तरह से खेल रहे थे मदिया, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रहा था, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं जारहाना अंदाज से, लेकिन फिर भी वो 54 रन बनाकर आउट हुए। तो मैं समझता हूँ कि आबिद अली को आइंदा आने वाले मैच में शायद मौका दिया जाए या ना दिया जाए, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सीरीज तो 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों की रह गई है। जी जी जी, ठीक है। आप लास्टली ये बताएगा मिर्जा साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये तो एक टीम ने जीतना है और एक टीम ने हारना है, और फेवरेट ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी की पाकिस्तानी होगी टीम, लेकिन आपको आज का मैच देख के क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है?
देखिए श्रीलंका की टीम ना तजुर्बा कार खिलाड़ी पर मुश्तमिल, पाकिस्तान के सारे सीजन कैंपेनर हैं, पाकिस्तान ने फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम उतारी है। अभी 40वें ओवर का खेल जारी है, 216 रन तीन विकेटों के नुकसान पर, इसके बाद 10 ओवर रह जाएंगे, 89 रन है, 89 अभी बाबर आजम के, तो 11 रन जब उतना लेंगे तो मुझे लग रहा है कि 300 तक पाकिस्तानी टीम जाएगी और श्रीलंकन टीम के लिए मुश्किल होगा अंडर लाइट्स जब पाकिस्तानी बॉलर्स, आप इनकी स्ट्रेंथ भी देखें, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, उस्मान सिंबारी, फिर शादाब खान और इसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम, तो मुश्किल लगेगा श्रीलंका के लिए उस हदफ को अबूर करना। लेकिन एक ऐसी टीम है कि जिसका कुछ स्टेक पर नहीं है, उनके बेशतर खिलाड़ी नए हैं, वो कोशिश करेंगे कि परफॉर्म करके वो जो 10 टॉप स्टार्स नहीं आ रहे उनकी जगह लेने की कोशिश करें, तो तबक्को तो है कि मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान अगर 300 कर गया तो सीजन टीम है पाकिस्तान की, मुश्किल डालेगी श्रीलंका के लिए। मिर्जा साहब, मैनेजमेंट के क्या तासुरात हैं, क्योंकि देखिए 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई, कराची से हमने इसका आगाज किया, वनडे क्रिकेट ऑब्वियसली इसको इनकरेजिंग बनाना चाहिए था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नहीं T20 का शॉर्ट मैच होता है उसके लिए, लेकिन मैच जो क्रिकेट फैन है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता T20 या टेस्ट, उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट है, उसे प्लेयर्स में इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पर उनका कोई कॉमेंट है कि आखिर वो कैसा फील कर रहे हैं इंटरनेशनल के लोग इतना अट्रैक्ट नहीं हुए? देखिए एक तो प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका की टीम के बीच में आ गई कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि जी वो अभी जो सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले, एक वक्त आया कि आइटनरी वगैरह सब अनाउंस हो गई, लेकिन उनके मिनिस्टर फर्नांडो भी आए हुए थे, उन्होंने सब अप्रूव कर दिया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा, तो बीच में मामला थोड़े रुक गए, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है तैयारी नहीं हो सकी। कमिश्नर कराची का ये कहना है कि जिस तरीके से PSL के लिए उन्होंने बहुत दिनों से तैयारियां शुरू कर दी थी, प्रॉपर इसकी हाइट नहीं बनाई गई, बदिया जो कवरेज होनी चाहिए और क्रिकेट की टीम पे भी, और लोग आपको पता आजकल वैसे माशी तौर पर लोग मुश्किल से दो चार हैं, उनके लिए मैदान में आना और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि कॉर्डन ऑफ किया जाए स्टेडियम को, तो बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोगों की कम तादाद आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था इसकी प्रॉपर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पब्लिसिटी करता और टिकट्स की कीमत कम रखी जाती, बेशक थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लेता क्योंकि वो तो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से उनको काफी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए वो हाइट नहीं बनाई गई जो होनी चाहिए थी, शायद यही वजह है कि लोगों की कम तादाद। लेकिन PCB को शायद यही बेहतर लगा, और आपने भी शायद वो आपकी नजर से भी वो क्लिप गुजरा होगा जो प्लेयर से कहलवाया गया कि हर कोई अपने पैसों की टिकट लेकर आए, हमसे टिकट का मुतालबा ना करें, उनको लगा शायद वही पब्लिसिटी काफी है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो वही बात हो गई कि जिसने भी, जिस अकलमंद ने भी इनको ये मशवरा दिया वो बिल्कुल गलत दिया, कॉम्प्लीमेंट्री थे कि सभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए, कल तक 20% टिकट फरोख्त हुए थे जो एक कंपनी है जिसके थ्रू कोरियर कंपनी, लेकिन बाकी टिकट जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉम्प्लीमेंट्री भी दिए, स्कूल्स के बच्चों को भी दिए और भी कई जगह दिए, मुख्तलिफ इदारों को दिए, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स तो पाकिस्तान में बंद नहीं हो सकते, ये कल्चर है, ये कल्चर खत्म नहीं होगा। मतलब ठीक है, लास्टली अब ये बता दीजिए कि आप T20 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लाहौर में होने जा रहा है, डेफिनेटली ऑडियंस पे तो हमें पूरा यकीन है क्योंकि अभी से इतला के टिकट वहां पे मिल ही नहीं रही है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, जो क्राउड का जो चैंट करना होता है, इनकरेज करना, ये कितना हेल्पफुल होता है, कितना इनकरेज करता है एक टीम को ग्राउंड पर? ठीक है, वैसे भी मैंने T20 के लिए कहा कि 3 घंटे की फिल्म होती है, तो T20 में वैसे ही लोगों का जोश खरोश होता है, छक्कों चौकों की बरसात देखने को मिलती है, और लाहौर में पहले भी आपको पता है PSL के फाइनल हुआ लाहौर में, फिर वर्ल्ड 11 आई, श्रीलंका की टीम खेली, तो वैसे भी T20 मैचेस के लिए लाहौरियों का जो जोश व खरोश होता है वो अपने नुक्ते उरूज पर होता है, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर के मैच में एज कम्पेयर टू कराची के वनडे, क्योंकि T20 शॉर्ट है, शाम 6:30 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो उसमें लोगों की बड़ी तादाद आएगी और फिर एक अब टेंशन निकला है। मदिया आप देखें, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो लीग होती हैं, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, इस ट्रेंड का निकला है कि T20 क्रिकेट में लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है, वक्त भी कम लगता है, छक्के चौके देखने को मिलते हैं, तो शायद इसकी बुनियादी वजह ये है कि लोगों की ज्यादा दिलचस्पी T20 क्रिकेट में होती है।